कहते हैं कि एक जन्म का नहीं अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों का जब विनाश होता है तब जाकर के हमें कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न हो पाती है। नहीं तो आज अगर हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश और पुण्यों का उदय नहीं हुआ होता तो यहाँ पर कुंडली गांव में फिर से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन नहीं हो पाता। बोलिए दादा भैया की। कुछ लोग तो भागवत कथा का श्रवण इसलिए करने आते हैं कि पड़ोसी के यहाँ से निमंत्रण आया है, हाजिरी दे आते हैं, एक बार दृष्टिपात हो जाए, बस उसकी नजर पड़ जाए, बस अटेंडेंस लगी और हम आ जाएंगे। बुरा मान जाएगा ना, नहीं जाएंगे तो। और आप और हम ऐसा नहीं है, अपने बारे में मत सोच लीजिएगा कि शायद हम भी नहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। जब हमारे पापों का विनाश और पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा में रुचि उत्पन्न होती है। आजकल लोगों को बड़ा अभिमान हो गया है कि सामने वाला मुझसे तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, बात कुछ हजम नहीं होती। ऐसा उसको कौन सा खजाना मिल गया? अभिमान में इतना आदमी डूब चुका है, चूर हो चुका है कि अपने से छोटे को तो कुछ समझते ही नहीं है। एक कहावत भी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।